hello bacho how are you dear friends in this lecture i will solve i will explain the rest part of question number five uh, means uh, question number four onward huh okay i hope you have uh, watched the last lecture related to on this uh, related to uh, this chapter this exercise uh, exercise 8 point4 uh, now let's start the question number four is a uh, one plus plus sec ए अपान sec ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान वन माइनस कॉस ए जब बच्चों इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पे हिंट दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हम लोग मेथड अप्लाई किए थे बार बार जो अलग अलग रूल देखे थे जो हम एक्सप्लेन किए थे पिछले लेक्चर में कि हम लोग कभी कभी लेफ़्ट को यूज़ करते हैं फिर कभी राइट right को करते हैं जब ना हो तो लेफ़्ट राइट सेपरेटली सॉल्व किया था है, तो यहाँ पे बच्चों हिंट दिया है कि हमें क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करना है मतलब लेफ़्ट को एक बार सॉल्व करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म पे ला करके छोड़ देंगे और फिर अगेन राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और उसको भी इस तरीके से करेंगे कि जो पहला वाला जहाँ पर ला के छोड़े थे सेम वही ला वैल्यू लाने का प्रयास करेंगे मीन्स दोनों का वैल्यू सेम करने का करेंगे दोनों के वैल्यू को बैलेंस फॉर्म में सॉल्व करेंगे मतलब इधर अगर ए आ रहा है वैल्यू तो इस साइड भी ए आना चाहिए इधर एक्स आ रहा है तो इस साइड भी एक्स आना चाहिए तो ऐसा इस टाइप की इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन प्लस सिक ए अपान सिक ए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए क्या करना हमें तो बच्चों देखो कुछ आइडिया होना चाहिए यहाँ पे क्या चीज़ करें कि जिसके वजह से हमें कुछ स्टेप मिल सके मैं कुछ स्टेप आगे बढ़ सकूँ तो चलिए हम लोग इसको चेंज ही कर लेते हैं है ना किस में चेंज कर लेते हैं कॉस में चेंज कर लेते हैं तो वन प्लस वन अपान कॉस हो जाएगा बच्चों कास ए हो जाएगा ठीक है अगेन होल बाई वन अपॉन कॉस ए हो गया क्लियर हो गया अब देखो क्या करते हैं ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम लेकर के तो कॉस ए प्लस वन और अपान कॉस ए एल्सियम हो गया था आपका और ये होल अपान वन अपान वन अपान कॉस ए हो गया क्लियर है अब देखो ये कॉस ए चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा वन के साथ ठीक ना तो इसको क्या करेंगे कॉस ए को कर देंगे शिफ्ट कर देंगे ऊपर मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा कॉस ए प्लस वन अपान कॉस ए मल्टीप्लाई में जब ये चेंज होगा डिवाइड से ये इस पूरे सिस्टम में इस पूरे सिस्टम से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये हुआ ना तो जब डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा कॉस ए न्यूमरेटर में बन जाएगा और ये वन इसके साथ हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मीन्स बचा कॉस ए प्लस वन अब आगे क्या करें आगे अब कौन सा हाँ कौन सा स्टेप यूज करें क्या कदम उठाया जाए तो मुझे तो लग रहा है अब यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए ठीक अब यहाँ पर चलिए हो इसको, इस पार्ट को यूज़ किया जाए लेफ़्ट राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को जब आप यूज़ करोगे तो आप देख रहे हो कि बिकॉज़ यहाँ पर इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अब इसके आगे हमको तो नहीं लग रहा है कुछ सॉल्व करना होगा क्योंकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म ही दिख रहा है इसको यूज़ करेंगे तो एक चीज़ आपको देखो हमको तो समझ में आ रहा है कि यही आपका आंसर है क्योंकि हम आइडिया लगा लिए आइडिया ये लगा लिए कि जब हम राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर से ये मिल जाएगा वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ यही चीज़ मैं पहले नहीं बताना चाह रहा था क्यों क्योंकि इस पार्ट को देख मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इसको सॉल्व करना दो ही स्टेप में हो जाएगा और आपको इसमें आंसर दिख रहा है कैसे देखो तो इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए के प्लस पे वी कैन राइट वन प्लस कॉस स्क्वायर ए हाँ यू वीनो दैट हाँ दिस इज़ द आइडेंटिटी ठीक और ये एज इट इज़ वन माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दीजिए अब देखिए ये क्या हो गया कि वन माइनस रहेगा बच्चों यहाँ पे

आप देख रहे हो कि बच्चों ये जो था पार्ट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से हाँ लाया था वही चीज़ हमें यहाँ राइट हैंड साइड में भी मिल गया इट मीन्स ये दोनों क्या हो गया ये दोनों बिल्कुल सेम रिजल्ट दे रहा है सो हैंस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब दोनों को सॉल्व किए और दोनों से वैल्यू आपको सेम मिल गया और ये आपका प्रूफ हो गया यही लास्ट में आप लिख दोगे ठीक है बच्चों तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व ओके नौ बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं है ना क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो है आपका फिफ्थ पार्ट फिफ्थ का फिफ्थ वाला पार्ट फिफ्थ का फिफ्थ वाले पार्ट को हम लोग अभी लीव करते यहाँ छोड़ देते हैं ठीक है बिकॉज ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ये एक एग्जाम्पल था अभी एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन जैसा है ठीक है और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा आसान नहीं है आसान मतलब मेरे लिए तो ठीक है बट आपके लिए हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चों इसलिए मैं इसको स्टॉप रखता हूँ है ना कभी बिकॉज ये जानते ये रूल होता है कि कभी भी सीखना है तो सीखने के लिए ईजी टू हार्ड की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे धीरे धीरे और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है है ना हम मान सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इसको लास्ट टाइम बनाएंगे जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम इसको करेंगे क्लियर है चलो हम लोग चलते हैं सिक्स वाले पार्ट को ठीक है सिक्स वाला पार्ट क्या है ये मैं ऐसा रूल बताऊंगा आप लोगों को मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में ऐसा रूल बताऊंगा कि इस टाइप का को कोई भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल अपनी आँख को बंद करो आँख मतलब ऐसा नहीं कि आँख को बिना मतलब खोले ही आप सॉल्व कर लोगे ऐसा नहीं है मतलब कि आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपकी पेन रुकने का नाम ही नहीं लेगी और सीधे आप अपने टारगेट पर पहुँचोगे ऐसा रूल मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ यहाँ पे ठीक है बच्चों तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि अगर किसी भी साइड में रूट के अंदर कोई पार्ट दिया गया है तो हमें डरना नहीं है वहीं से शुरुआत करना है ठीक है तो हम लोगों का जो पार्ट रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा क्लियर तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वन प्लस साइन है अपान वन माइनस साइन है चलो बच्चों कैसे करेंगे तो इस पार्ट को करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना होगा क्या करना होगा रेशनलाइजेशन करना होगा ठीक है बिकॉज रेशनलाइजेशन ही ही एक ऐसा मेथड होता है जो कि रेशनलाइजेशन ही एक ऐसा आ, कह सकते हैं रेशनलाइजेशन के ही अंदर एक ऐसा वो होता है हम्म क्या कहते हैं उसको कैपेसिटी होता है काबिलियत होती है कि ये रूट को हटा सकता है और रूट को हटाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं ठीक तो चलो हम इस रूट को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं ठीक या फिर एक अलग अलग रूट रख लो कोई बात नहीं तब भी सेम ही रहेगा अलग अलग रूट करोगे अलग से तब भी रूट का रूट में मल्टीप्लाई करना होगा तो आप रेशनलाइजेशन करोगे किससे डेनोमेटर के कंजुगेट साइन से मतलब वैल्यू क्या होगा सब सेम रहेगा बस साइन क्या हो जाएगी इसकी चेंज हो जाएगी तो वन प्लस साइन ए और वन प्लस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और बच्चों जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन मतलब ये पेयर हो जाएगा साइन ए हाँ यहाँ पे जो रूट है इसको थोड़ा सा एक स्टेप आप बढ़ा लो कोई बात नहीं ठीक है अलग अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं अच्छा लगेगा थोड़ा ठीक है और इसको आप क्या कर सकते हो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए को कर सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हो देखो तो बच्चों अभी हम स्क्वायर रूट है ना स्क्वायर रूट जो होगा स्क्वायर रूट हम लोग अभी लेते हैं इसके प्लेस पे क्या कर सकते हो आप वन माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप यही कर सकते हो ना इसको शाट में भी लिख सकते हो एज ठीक है ताकि इतना बड़ा ना लिखने की पड़े स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अब देखो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ठीक है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ले ले तो ये दोनों में से रूट हट जाएगा ऊपर से और नीचे दोनों से वन प्लस साइन है और ये डिनोमीटर में मिल गया क्या चीज़ वन ली कॉस ए ठीक है यहाँ पे आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो क्यों क्योंकि देखो ये माइनस हो रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये दो टर्म है ना यहाँ पे वन माइनस है है ना ये सिंगल होना चाहिए देखो ये सिंगल है इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस ये आ जाएगा और इन दोनों में से पेयर हो जाएगा पेयर मतलब दो है तो एक यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल गया तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट आ गया अब जब स्क्वायर रूट आ गया तो आप देख रहे हो कि आपको राइट साइड में लाना क्या है बहुत ईजी है आप ये क्या करो जो एक कॉस है इसको सिपरेट कर दो बिकॉज कॉस ए है जो दोनों का है वन का भी है और साइन का भी है तो वी विल कन्वर्ट वन अपान कॉश एंड साइन ए एंड वी नो दैट वन अपान ए वन अपान कॉश ए सेक ए एंड साइन ए अपान से गिव टेन ए सो इन दिस अवे यू हैव हाँ क्या कर लिया आप लोग आपके पास आपका आंसर मिल गया आपको वैल्यू मिल गया ठीक है ना यू हैव योर आंसर मींस राइट हैंड साइड क्लियर तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है कभी भी रूट का क्वेश्चन मिले तो आपको डरना नहीं है शुरुआत रूट से ही करना है रेशनलाइजेशन करना है अगेन इसके बाद ऊपर वाले को स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सीधे आ जाएगा नीचे वाले को कन्वर्ट करना होगा तब हो पाएगा स्क्वायर रूट उसके बाद सपरेट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा और यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना है इस टाइप का को कोई भी क्वेश्चन होगा सेम ऐसे ही स्टेप आगे बढ़ेगा ठीक ना बात आई समझ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बाकी सोर्स जो भी क्वेश्चन हैं जहाँ से भी आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करते रहिए मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन लेके आऊंगा ठीक है ना एक वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल क्वेश्चन रहेगा और वो सब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेवेंथ वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है बच्चों ठीक है अलग अलग देखो एनसीईआरटी में क्या होता है ना हर जो क्वेश्चंस होते हैं आ, कुछ न कुछ आपको नया देते हैं ठीक है ना? रिपीट बहुत कम ही करते हैं ताकि आपको ढेर सारी आइडियाज़ मिले और आप बाहर से क्वेश्चनस है ना कोई भी साइड बुक है वहाँ से आप क्वेश्चन को पिकअप करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ठीक है ना यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं जो रिपीट होते हैं इस वजह से हमें थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए इज इक्वल टू इज़ इक्वल टू टेन टेन थीटा तो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग काम राइट से कर ही नहीं सकते हैं जब भी करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया हमने साइन थीटा टू साइन थीटा अपान टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा देखो दोनों में से आपको कॉमन मिल सकता है ठीक है वी टेक साइन थीटा एज ए कॉमन इन बोथ टर्म तो वी विल फाइंड इन ब्रैकेट वन यहाँ से वन बचेगा यहाँ से बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं कॉमन कॉस थीटा ठीक है कॉस थीटा इज माई कॉमन पार्ट सो वी विल फाइंड हां इन रेस पार्ट इन ब्रैकेट कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अब बच्चों यहाँ पे गणित तो देखो क्या है यही आपका आंसर है है ना साइन थीटा पन कॉस थीटा केवल आपको बचाना और यही देखो आपको आंसर दिख रहा है देखो ये टेन थीटा इस चीज़ को हटाना है किसी तरीके से रिमूव हो जाए बिल्कुल रिमूव हो जाएगा ठीक है कैसे रिमूव होगा बच्चों तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन थीटा को और इसको आप क्या कर सकते हो देखो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट वन के प्लेस पे क्या लिख सकते हो वन के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा हाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी यह एक आइडेंटिटी है और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आपका पहले से ऑलरेडी हो गया सेम सिमिलरली डेनोमीटर में भी कर देते हैं ठीक है कॉस थीटा डिनोमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो डेनोमीटर में कर लो थोड़ा सा ये मैं ब्रैकेट डिफरेंट टाइप का बना रहा हूँ अभी क्योंकि इसका यूज है टू कॉस स्क्वायर थीटा अब देखो यहाँ माइनस है माइनस कर लो इस वन के प्लेस पे हटाना है अच्छा हमें कैसे पता चला कि ये वैल्यू यहाँ पे कर देना वन के प्लेस पे? मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास टू साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस में है अगर हम ऐसा कर देंगे तो माइनस वाइनस होकर के कुछ कट टूट जाएगा ठीक है ना तो इसलिए हम वही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जो साइन वाली है साइन और कॉस वाली यानी कि टेन और को सेक, सेक और काट वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे साइन और कॉस वाला ही यूज़ करेंगे ठीक है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट मैं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि माइनस साइन है और वन के प्लेस पे आप कुछ करने वाले हो तो वो थोड़ा बड़ा होगा आप ब्रैकेट में रखेंगे तो उससे क्या होगा आपकी वैल्यूज़ आराम से चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है बाहर अगर प्लस साइन रहता तो कोई ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं रहती लेकिन यहाँ वन वन के प्लेस पर आपको ऐसा चीज़ मैंसन करना है जिसमें दो टर्म है और बाहर माइनस बैठा हुआ है तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ ताकि आपके साइन किसी तरीके का एरर ना आए तो वन के प्लेस पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट क्लोज थोड़ा सा इसीलिए ब्रैकेट मैंने डिफरेंट बनाया ताकि अच्छा लगे देखने में और कोई पर्पज नहीं था साइन थीटा पान कॉस थीटा बच्चों हो गया और ये देखिए आपका ऊपर वाला क्या हो गया कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा देखो ये इससे माइनस हो जाएगा बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना समझ में आ रहा देखो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दो में से एक माइनस हो जाएगा ना टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे वन माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा तो एक माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा सेम सिमिलरली देखो बच्चों यहाँ से भी वही काम है यहाँ पे भी डायरेक्ट देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये घट जाएगा यानी ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जुएगा और टू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है तो एक कॉस स्क्वायर थीटा आपका बचेगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बचेगा आपका साइन थीटा अपन थीटा, तो मतलब एक लाइन और बढ़ा लो साइन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मीन्स आपका दिस इज योर चमकता हुआ है प्यारा सा आंसर ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये है मेथर्टिक्नोमेट्री का और अगर आपके पास फार्मूला है प्रैक्टिस थोड़ी सी हो गई तो टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी को उठा को पटक दोगे वरना अगर आपको नहीं आया तो आप खुद पटके जाओगे ठीक है ना चारों खाने चित तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया तो हम लोग चलते हैं आप लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर एट के पास ठीक है ना फिफ्थ का जो एट वाला है पोर्सन बहुत अच्छा है बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ठीक है साइन ए प्लस कोसे के इन वन ब्रैकेट होल स्क्वायर ठीक है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों लाना है बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिख रहा है सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए देखो बच्चों डरना नहीं है बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट वाले ही पार्ट से करेंगे तो राइट वाला आराम से आ जाएगा ठीक है ना क्यों आएगा देखिएगा ध्यान से देखिए ठीक है और हम लोग क्या करते हैं इसको एलेबोरेट कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं ठीक है ना फैला देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तो देखो ये बच्चों क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर लोगे अपना लेफ़्ट हैंड साइड अपना ये यहाँ पे कर लीजिएगा ठीक है मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लिया थोड़ा टाइम बचाऊं तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कोशिक स्क्वायर ए ठीक है साइन स्क्वायर ए प्लस कोशिक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोशिक हो गया ए वाला ब्रैकेट वाला प्लस बीच में ये बड़ा सा प्लस है ये ब्रैकेट हट गया अभी कोशिक का कर लो कॉस का तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा टू कॉस ए इंटू सेक ए ठीक है इंटू सेक ए क्लियर है ये हो गया ये हटा दो अब बच्चों क्या करेंगे थोड़ा सा सजा लेते हैं चीज़ों को थोड़ा सा सजा लेते हैं कैसे सजा लें ये साइन ये कॉस एक साथ कर लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्यों इससे फायदा होगा अरे भाई ये जो सेवन है ऐसा थोड़ी नुड़ के आ जाएगा कुछ सिस्टम बनाना होगा, तभी ना आएगा। तो सेवन लाने के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं प्लस प्लस ये इंटू कोसेक ए ध्यान से देखिएगा टू साइन ए इंटू कोसेक को क्या राइट कर सकते हैं इंटू वन अपान साइन कर सकते हैं बिकॉज वी कैन राइट हा वन अपान साइन एट प्लेस ऑफ कोशेक इनवर्स होता है ठीक है साइन का इनवर्स कोशेक कोशेक का इनवर्स साइन होता है कोशेक ए इज इक्वल टू तो वन अपन साइन है सेम इसी तरीके से ये जो टू कॉस ए इंटू सेक ए है इसको भी बगल में लेते आइए और इसको भी लिख लीजिए कि टू कॉस ए इंटू वन अपन कॉस ए बिकॉज यहाँ सेक ए है है ना सेक ए को वन अपन कॉस ए कर सकते हैं ठीक प्लस ये कोसेक ए बचा आपका कोशेक स्क्वायर ए और प्लस ये सेक स्क्वायर ए बच गया इसको भी ऐसे बचे रहने दीजिए ठीक है ना बच्चों अब देखो ये आपको वन मिल जाएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल कौ से कौ कैंसिल यहाँ से मिला आपको वन प्लस ये जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा टू एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा यहाँ से भी टू मिल जाएगा मतलब ये वाला फिनिश हो गया ये पार्ट आपको टू दे देगा ये पार्ट भी आपको टू दे देगा प्लस टू कोसे स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है बच्चों देखो हो गया काम बन गया है एक ये दो दो चार तीन दो पाँच पाँच हो गया अब देखो ये बचा है और ये बचा है और आंसर में आपको लाना है सेवन तो पाँच मिल गया है ऐसे फाइव मिल गया है टेन स्क्वायर या कॉट ही लाना है जबकि यहाँ दिया कोशिक स्क्वायर ऐसे स्क्वायर है बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको चेंज करते हो आइडेंटिटी लगाते हो तो इससे आपको डिजिट मिलेगा फाइव से सिक्स भी हो जाएगा और आपका चेंज भी हो जाएगा कैसे इस कोशेक को आप चेंज करके कोशेक के प्लेस पे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हो ना क्योंकि आइडेंटिटी होती है और प्लस सेम सिमिलरली ये आपको सेक भी मिल जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए गिफ्ट वन प्लस टेन स्क्वायर ए ठीक है बच्चो तो देखो ये मिल गया अब ये वन वन ये सब मिला करके सेवन हो गया प्लस ये आपका टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है ये आपका आंसर बच गया तो बच्चों दिस इज योर प्यारा सा अच्छा सा आंसर क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन क्या था सिस्टमेटिक वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी और फटाक से आंसर आ गया ठीक है बात बातें समझ में बच्चों फिर हम लोग चलते हैं हम नाइन वाला पार्ट जो इसका नाइन वाला पार्ट बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों नाइन वाला पार्ट क्या कह रहा है नाइन वाले पार्ट में हम लोग चलेंगे तो ये भी बस डराने के चक्कर में है कोई बात नहीं है डरने की कोई बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कोशिक माइनस साइन ए दिया है बच्चों इन टू इन वन ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस और इज इक्वल टू दे रखा है वन अपान वन अपान टेन ए प्लस कॉट ए दिया है कोई बात नहीं और यहाँ पे हिंट भी दे दिया है हिंट ये दे दिया है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ वाला किए थे इसी का फोर्थ वाला सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है ठीक है ना सिपरेटली करना है लेफ्ट हैंड साइड को एक बार एक बार राइट हैंड साइड को या तो आप हम अलग अलग किए थे या तो आप एक साथ करते जाओ चलो एक साथ करते हैं ठीक है ना दोनों को एक साथ ऐसे करते आते हैं मतलब बात वही होगी ठीक है या तो आप एक बार लेफ़्ट को करो फिर उसको छोड़ो फिर राइट से करो या फिर एक साथ करते हैं चलो इसको चेंज करते हैं सबको को साइन कॉस में चेंज कर दें ठीक है अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं इसको भी तो इधर भी साइन कास हो जाएगा इधर भी साइन कॉस हो जाएगा वैसे कि यहाँ पे चार चार क्वान आइडेंटिटी दिख रही है तो ये हम क्या लिख सकते हैं वन अपान साइन ए कर सकते हैं बच्चों साइन ए कॉस ए के, के बदले वन अपान साइन ए हो गया और ये साइन ए ए ऑलरेडी पहले से आपका है इन वन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वन अपान कॉस ऑलरेडी कॉस ए है आपका पहले से ठीक है बच्चों अगेन इज इक्वल टू वन अपन ये वन अपान इसको चेंज कर लीजिए तो वी विल फाइंड साइन ए अपानस एट द प्लेस ऑफ टेन ए टन ए के प्लेस पर ये पा जाएंगे एंड सिमिलरली कॉट ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए कितनी अच्छी मैथ है ये टिक्नोमेट्री ठीक है सोचिए जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो कैसा लगा था जैसे लग रहा था हम लोग किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है ठीक है अभी का अभी जब इसका यूज़ पढ़ोगे आप एक्सरस आई चैप्टर नंबर नाइन्थ तो उसमें और मज़ा आएगा ठीक है तब आपको लगेगा कि वास्तव में टिकनोमेट्री का यूज़ क्या है और जब आप कभी एलेवन्थ में मैथ पढ़ने का आप लोगों को चांस मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है ये टिक्नोमेट्री ठीक है ना अब आगे समझिए अब यहीं से आपकी लाइफ नई स्टार्ट हो गई और हर जगह मिलती फिज़िक्स में मिलती है है ना फिज़िक्स तमाम जगह पे आपको मिलेगी तो ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन है ये साइन है आपका एलसीयम हो गया था है ना इंटू ब्रैकेट हटा लीजिए कोई बात नहीं वन माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपान ये हो जाएगा कॉस है इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो होल अपान वन बाई होल अपान क्या हो जाएगा ये साइन ए कॉस है एलसीयम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस है ये थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें ठीक सिस्टमेटिक वे में राइट किया करिए अपनी कॉपी को कॉपी मैनेजमेंट बहुत केयरफुल तरीके से करिए तो जब इस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया साइन बचेगा साइन का मल्टीप्लाई ऊपर मत करिएगा इसी में क्योंकि हम इतने को कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये केवल डेनोमेटर वाला इसको सॉल्व करना है तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा और बढ़ाइए जब ये बढ़ा रहे हैं तो इसको बढ़ाइए क्योंकि ये होल अपान है ठीक अब देखो क्या करते हैं बच्चों कि ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा होल इसको क्या कर सकते हैं साइन ही कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए और ये कॉस है ऑलरेडी आपका बचा हुआ इज इक्वल टू अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा ना ये ऊपर चला जाएगा ये चला जाएगा ऊपर कैसे ये वन बाई वन कर सकते हो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे कर सकते हो वन बाई वन इसको वन बाई वन कर सकते हो क्योंकि डेनोमेटर जो ये पूरा पार्ट है इसमें खुद एक फ्रैक्शन दिख रहा है तो उसी तरीके ऊपर भी कर सकते हो और इंटू ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में ऐसा किए थे ठीक है और ये वैल्यू बच्चों हो जाएगा वन आपका टोटल क्यों इतना बड़ा लिखने की जरूरत वन हो गया इतना समझ में आ गया आप देखो बच्चों अब क्या होगा कि ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या एक साइन बचेगा इन टू कॉस ए बचेगा उसी तरीके से ये इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको साइन ए और कॉस ए मिल जाएगा तो इस तरीके से बच्चों ये दोनों पार्ट आप देख रहे हो कि दोनों पार्ट इक्वल हो गया और ये आपको मिल गया राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरीके से देख लो कि दोनों साइड में आपको ये सेम सेम वैल्यूज मिल गया ठीक है ना बच्चों बात ही समझ में तो ऐसे भी किया जाता है सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड इस साइड ठीक ना तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो इसका टेन वाला है और ये जो टेन वाला मैं आपको बताया था इंतज़ार इसको भी खत्म किया जाए ठीक है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है अब यहाँ पे तीन पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है ठीक है मतलब कि क्वेश्चन में दो दो जगह पे इक्वल की साइन दे गए हैं वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है इन वन ब्रैकेट इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपन वन माइनस टे का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू टेन स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हो कि आप तीन पार्ट में हो गए अभी तक केवल इक्वल एक था इक्वल की साइन और एक लेफ्ट था, था यहाँ पे राइट था और इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके लिए मैं आपको ट्रिक पहले ही पिछले लेक्चर में बता दिया था तो यहां पे बच्चों हमारा टारगेट होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक पार्ट को पिकअप करते हैं जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसा नहीं कि जैसे ये तो वो आप आगे क्या करें इसके नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे पार्ट को आप यूज़ करो जिसको कुछ सल्यूश जिसको कुछ स्टेप तक सॉल्व किया जा सके तो मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करूँगा और टारगेट रहेगा कि इन दोनों में से कोई एक मेरा आ जाए इन दोनों में से कोई एक सीन पर आ जाए जब आ जाएगा वहीं स्टॉप हो जाएंगे फिर क्या करेंगे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा सपोज करो तो फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करते करते ये टारगेट करेंगे कि फिर से वही आ जाए तो जब हर कंडीशन में टेन स्क्वायर ए आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है सबके सब इक्वल वैल्यू दे रहे हैं इसका मतलब सबके सब क्या है एक ही वैल्यू को देने वाले टर्म्स दिए गए हैं और इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यही बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस क्लियर है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोई लेफ्ट और राइट right नहीं होगा यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपान्ल स्क्वायर ए यही हम लोग राइट करते हैं ठीक है ना अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें क्या कहते हैं जो वन प्लस टेन स्क्वायर है दोनों आइडेंटिटी दिख रही है तो वी कैन राइट सेक स्क्वायर है एट द प्लेस ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एस है ना आप लोग जानते हो डू यू नो आप लोग जानते हैं ना और इसको क्या करते हैं देखो ये टेन स्क्वायर मिलने जा रहा है क्यों क्योंकि ये देखो कर सकते हैं इसको वन अपान कॉस स्क्वायर कर सकते हैं और होल बाई इसको क्या कर सकते हैं वन अपान साइन स्क्वायर अब देखो ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा जब उल्टा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपानस स्क्वायर और जब कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गया आपका क्या चीज़ टेन स्क्वायर तो इस तरीके से देखो तो ये मिल गया पहले को सॉल्व किया तीसरा पार्ट मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे ये जो छोटा है इसको भी सॉल्व करेंगे ये वाला आ जाएगा ठीक है अब तो इंतजार खत्म हुआ ना कि इसको सॉल्व किए ये मिल गया अब जब ये मिल गया तो अब इसको सॉल्व कर किया जाएगा ठीक तो हम लोग इसको देखते हैं ये वाला पार्ट नाउ या वन माइनस टेन ए अपन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो वन माइनस वन माइनस टेन ए अपन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसको एक काम करते हैं ना कि साइन और कॉस में इसको भी चेंज कर लेते हैं तो वन माइनस ये हो जाएगा आप क्या क्या चीज साइन ए अपानस ए है ना होल सॉरी अभी होल स्क्वायर नहीं होगा अपान उसी तरीके से हो जाएगा वन माइनस कॉस ए अपान ये आपका वैल्यू क्या हो गया एक तरह से साइन और कॉस से भी हो जाएगा या फिर आप इसको केवल एक को चेंज कर लेते हैं कॉट को ही चेंज कर लेते रि में तब भी हो जाता चलिए जब चेंज कर लिए तो ये किया ही जाए इसी मेथड से ये होल स्क्वायर अब होगा ठीक है अब बच्चों क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे तो जब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए एंड अपान ये मिल जाएगा आपका कॉस ए और होल बाई ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए ले लेंगे और ये आपका एल्सीय था ठीक है ना होल स्क्वायर ये भी हो गया अब बच्चों देखो ये वही चीज़ होगा फिर से रेसी उल्टा जाएगा है ना डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर मीन्स हो गया ये साइन ए साइन ए हो गया और ब्रैकेट में हो गया आपके कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए होल अपन ठीक है ये चला गया था ऊपर और ये कॉस आ जाएगा इसके पास ठीक है तो यहाँ पे कर लेंगे कॉस ए और इसका ब्रैकेट में हो जाएगा क्या चीज साइन ए माइनस कॉस ए अब देख सकते हो ये अगर कैंसिल हो जाता और अच्छा ये सबसे बड़ी बात यहाँ होल स्क्वायर है ठीक है तभी ना ये देखो टेन स्क्वायर आएगा अब देखो ये जो वैल्यू है साइन अपान कॉस यही आपको वैल्यू देगा वही आपका आंसर दिख रहा है बस किसी तरीके से ये फिनिश हो जाए और फिनिश होने के लिए यहाँ पे एक टिपिकल प्रॉब्लम है कि वैल्यू तो सेम है बट माइनस का है ना माइनस का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कैसे कॉस ए प्लस में है कॉस ए माइनस में साइन ए माइनस में साइन ए प्लस में है। तो कोई बात नहीं साइन को चेंज करने के लिए हम आपको पिछले अभी क्वेश्चन में इसका जो क्वेश्चन uh, नंबर कौन था मैंने बताया था तीसरा जो क्वेश्चन पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में uh, किए थे पिछले लेक्चर में वहाँ पर मैं बताया था कि माइनस से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब कि हम लोग चाहे ऊपर का चेंज करें या तो नीचे का आपका मन आपका मन चेंज ऐसे करो तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक को चेंज कर लो चलो देखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए माइनस माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस वन से और अपान फिर से हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए ठीक है दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक को छोड़े रहेंगे ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना ब्रैकेट में नहीं तो मामला फिर से बिगड़ जाएगा फिर से वही चेंज हो जाएगा ठीक है ना ये इसको बनाओगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा तो एक माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दो एक माइनस वन बचाए रहो चलो मैं मैं इस माइनस वन का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब अंदर करेंगे हाँ सामने नहीं करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी बच्चों ये साइन चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू और ये जो माइनस वन है ना इसका मल्टीप्लाई सामने हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन और ये ब्रैकेट हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए अहोल बाई बच्चो ये कॉस ए आपका है अब देखो वही मैं कह रहा हूं कि इस माइनस वन का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो ये देखो हो जाएगा क्या चीज माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा क्यों क्योंकि माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस में होगा माइनस और माइनस में होगा तो प्लस यानी प्लस का माइनस हो गया माइनस का प्लस अब देखो बच्चों ये स्क्वायर बचा हुआ है देखो अब ये सेम सेम दिख रही है ये दोनों सेम सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा या तो एक बार आप फिर से वही चीज़ ऐसे उलट के लिख लो या फिर डायरेक्ट कट कर दो है ना सॉरी तो ये डायरेक्ट कट कर देखो दोनों चीज़ सेम दिख रही है माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ यहा पे बस थोड़ा सा ऑर्डर इनका चेंज है तो अब ऑर्डर बनाओ अगले स्टेप में या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो तो मान लीजिए हम कट कर दिए ठीक है ना हम लोग डायरेक्ट यही समझ लीजिए माइनस साइन माइनस साइन प्लस कॉस है प्लस कॉस यानी ये दोनों सेम है कट जाएगा ये माइनस है जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये यानी ये फाइनली ये प्लस हो गया पूरा वैल्यू तो ऊपर बचा क्या चीज़ आपका साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा आपका क्या चीज़ कॉस स्क्वायर ए हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए तो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे अपना कोई कुछ वो नहीं लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बस ऐसे ही सिंपली लिख देना क्यों क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई लेफ्ट दिख रहा है ना तो कोई राइट दिख रहा है कौन लेफ्ट है कौन राइट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ठीक है ना तो यानी हर बार आपको आंसर देखो क्या मिला वही टेन स्क्वायरे मिल रहा है इसका भी सॉल्व किया टेन स्क्वायर इसका भी सॉल्व किया टेन स्क्वायरे और इसका भी सॉल्व किया टेन स्क्वायरे इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों कंडीशन में जब टेन स्क्वायरे हो गया यानी ये सब के सब क्या हैं

तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो इसके लिए आप लोग डरिएगा मत ठीक है पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने का प्रयास किया हूँ आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है रिक, कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए ठीक है पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यदि अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट करिए ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए एनर्जेटिक रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत